द फॉलोइंग इज नॉट एन इनपुट डिवाइस, इनमें से कौन सी इनपुट डिवाइस नहीं है? तो ऑप्शन ए है VDU, वीडियो डिस्प्ले यूनिट, बी है कीबोर्ड, सी है मॉनिटर और डी है लाइट पेन। तो हमारी जो ऑप्शन ए और सी हैं, ये हमारे क्या हैं? आउटपुट डिवाइसेस हैं, ठीक है। वीडियू क्या होता है? ये आउटपुट डिवाइस होते हैं, ये जो स्क्रीन पे हमें दिखाई देता है वो इसी की वजह से दिखाई देता है, ओके। इसका होता है फुल फॉर्म विजुअल वीडियो डिस्प्ले यूनिट। ऑप्शन सी जो है वो है मॉनिटर, मॉनिटर में ही ये वीडियो लगा होता है, ओके। सेकेंड क्वेश्चन, अ लाइट सेंसिटिव डिवाइस दैट कन्वर्ट्स द प्रिंटेड टेक्स्ट, ड्राइंग और अदर इमेजेस इनटू डिजिटल फॉर्म इज कॉल्ड। ऐसे डिवाइस जो कि प्रिंटेड टेक्स्ट, ड्राइंग और कुछ इमेजेस को डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करती है, उसको हम बोलते हैं स्कैनर, ओके। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। स्कैनर वो डिवाइस होती है जो कि हमें टेक्स्ट, ड्राइंग वगैरह जो होते हैं ये सब हम स्कैन करके फिर अपनी स्क्रीन पे देख लेते हैं, ओके। तो ये क्या होते हैं? ऑप्शन सी इज द स्कैनर। थर्ड क्वेश्चन, विच डिवाइस हैज द लिमिटेशन दैट वी कैन ओनली रीड इट बट कैन नॉट मॉडिफाई और इरेज इट। तो कौन सी डिवाइस में ऐसी लिमिटेशन होती है कि हम सिर्फ उसमें रीड कर सकते हैं लेकिन उसको मॉडिफाई या इरेज नहीं कर सकते? तो वो होता है हमारा ऑप्शन सी, टेप ड्राइव। टेप ड्राइव इज अ डाटा स्टोरेज डिवाइस दैट रीड्स एंड राइट्स डाटा ऑन अ मैग्नेटिक टेप, ओके। ये क्या करता है? रीड राइट करता है डाटा को मैग्नेटिक टेप पे। और जो मैग्नेटिक टेप डाटा होता है वो किसके लिए यूज किया जाता है? उसको हम आर्काइवल स्टोरेज डाटा बोलते हैं, आर्काइव्स में रखते हैं, या फिर ऑफलाइन हमें कोई डाटा स्टोर करना है तो हम मैग्नेटिक टेप डाटा से ही करते हैं, ओके। फोर्थ क्वेश्चन, स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम दैट अलाउज यूजर टू यूटिलाइज इन स्पेसिफिक एप्लीकेशन इज कॉल्ड। ऐसे स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम जो कि स्पेसिफिक एप्लीकेशन के लिए ही यूज होते हैं उनको हम कहते हैं ऑप्शन ए, एप्लीकेशन प्रोग्राम, ठीक है। जो एप्लीकेशन प्रोग्राम्स होते हैं ये कुछ स्पेसिफिक एप्स के लिए ही यूटिलाइज किए जा सकते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन, डैश इज नोन एज द ट्रांसलेटर फॉर लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो जो हमारी लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है इसमें जो ट्रांसलेटर यूज होता है वो होता है हमारा ऑप्शन डी, असेंबलर, ओके। असेंबलर इज नोन एज द ट्रांसलेटर फॉर लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सिक्स्थ क्वेश्चन, इन्फॉर्मेशन ट्रैवल्स बिटवीन कंपोनेंट्स टू मदरबोर्ड थ्रू। जो इन्फॉर्मेशन होती है वो जो कंप्यूटर के कंपोनेंट्स होते हैं वहां से मदरबोर्ड में ट्रैवल करती है किसके जरिए? हमारा ऑप्शन बी राइट आंसर है, बसेस के जरिए। बसेस जो होती हैं ये हमारी जो इन्फॉर्मेशन एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने के लिए हेल्प करती हैं, ओके। ये एक तरह की इलेक्ट्रिक केबल्स होती हैं। सेवेंथ क्वेश्चन, यूएसबी यूनिवर्सल सीरियल बस कैन कनेक्ट हाउ मेनी डिवाइसेस एट अ टाइम। जो हमारी यूएसबीज होते हैं, ठीक है, ये एक टाइम पे कितने डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकते हैं? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, 127 डिवाइसेस, ओके। एक यूएसबी जो होता है वो 127 डिवाइसेस को एक वक्त में कनेक्ट कर सकता है। एट्थ क्वेश्चन, एन इलेक्ट्रिकल पाथवे इन कंप्यूटर इज नोन एज। कंप्यूटर में जो इलेक्ट्रिकल पाथवे होता है उसको मैंने अभी आपको बताया, उसको हम बोलते हैं क्या? बसेस, ठीक है। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। नाइन्थ क्वेश्चन, विच प्रोग्राम इज यूज्ड फॉर एक्यूरेसी इन कंप्यूटर्स। जो हमारे कंप्यूटर होते हैं उसमें हम एक्यूरेसी के लिए कौन से प्रोग्राम को इंस्टॉल करते हैं? तो वो होता है हमारा ऑप्शन सी, गीगो, ओके, GIGO, गार्बेज इन गार्बेज आउट। इसका मतलब ये है कि हम अगर कंप्यूटर में गार्बेज, मतलब हम अगर गार्बेज इन द सेंस कि रॉन्ग इन्फॉर्मेशन अगर हम डालेंगे तो हमें जो आउटपुट मिलेगा वो भी गलत ही मिलेगा, ठीक है। तो ये हमारा जो होता है ये एक्यूरेसी के लिए यूज किया जाता है प्रोग्राम। टेंथ क्वेश्चन, विच प्रिंटर्स रिक्वायर स्पेशल केमिकली ट्रीटेड पेपर। कौन से प्रिंटर्स जो हैं वो स्पेशल केमिकली ट्रीटेड पेपर से ही काम करते हैं, ठीक है। उनकी जो प्रिंट होती है वो उन्हीं पेपर्स पे जो है यूज होती है। तो वो होते हैं हमारे कौन से? ऑप्शन बी, थर्मल प्रिंटर्स। जो ये थर्मल प्रिंटर्स होते हैं ये इनको क्या चाहिए होता है? इनको स्पेशल केमिकली ट्रीटेड पेपर चाहिए होता है प्रिंट आउट निकालने के लिए, ठीक है। ये जो हमारे इतने भी टोल वगैरह होते हैं इनमें जो वो पेपर्स यूज होते हैं प्रिंट करने के लिए वो यही वाले होते हैं, ओके। इलेवेंथ क्वेश्चन, इन कलर डिस्प्ले हाउ मेनी कलर्स आर सीन एट अ टाइम। जो कलर डिस्प्ले होती है, ठीक है, हमारी डिस्प्ले दो होती हैं, दो तरह की, एक होती है मोनोक्रोम डिस्प्ले और एक होती है कलर डिस्प्ले। जो कलर डिस्प्ले है इसमें हमें एक टाइम पे 256 कलर्स दिखाई देते हैं, ओके। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए। ट्वेल्थ क्वेश्चन, विच टेक्नोलॉजी इज यूज प्राइमरली टू आइडेंटिफाई एंड प्रोसेस चेक्स। कौन सी टेक्नोलॉजी है जिसमें हम जो चेक होते हैं, हमें बैंक से जो चेक्स वगैरह मिलते हैं उनको आइडेंटिफाई और प्रोसेस कर सकते हैं? तो ये है हमारा ऑप्शन डी राइट आंसर, MICR। इसकी फुल फॉर्म है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन।
तो ये एक तरह के कोड्स होते हैं, ओके, MICR कोड्स जो होते हैं, ये हमारे जितने भी चेक वगैरह होते हैं, आपने देखा होगा अगर चेक, तो उस पर वहाँ पे एक कोड दिया होता है, जिस कोड के जरिए ही बैंक वाले जो हैं ये चेक को आइडेंटिफाई करते हैं कि ये राइट पर्सन का ही है, ओके। 13th क्वेश्चन, DAST इज एन एक्रोनियम यूज्ड फॉर, DAST जो एक्रोनियम है वो किसके लिए यूज होता है, वो है डाटा असेंबलिंग स्टोरेज डिवाइस, ओके, सॉरी इसका ऑप्शन ए राइट आंसर है, डाटा एक्सेस स्टोरेज डिवाइस, ओके। तो राइट आंसर ऑप्शन ए है, DAST की फुल फॉर्म है डाटा एक्सेस स्टोरेज डिवाइस। 14th क्वेश्चन, विच इज द सेकेंडरी मेमोरी ऑफ डाटा प्रोसेसिंग सिस्टम, जो हमारा डाटा प्रोसेसिंग सिस्टम होता है इसकी जो सेकेंडरी मेमोरी होती है वो है हमारी कौन सी, फ्लॉपी डिस्क। तो फ्लॉपी डिस्क होती हैं, ये सेकेंडरी मेमोरी होती हैं। 15th क्वेश्चन, एज ह्यूमंस आर कॉल्ड होमो सैपियंस डैश आर कॉल्ड सिलिको सैपियंस, ह्यूमंस को अगर हम होमो सैपियंस बोलते हैं तो हम सिलिको सैपियंस किसको बोलते हैं, ऑप्शन बी रोबोट्स को, ओके। जो हमारे कंप्यूटर होते हैं ये भी एक तरह के रोबोट्स ही होते हैं, बिकॉज हम इनमें इन्फॉर्मेशन डालते हैं और फिर हमें जो है इनको, ये उस तरह से ही वर्क करते हैं, ठीक है। लेकिन जो राइट आंसर वो है हमारा ऑप्शन बी रोबोट्स। 16th क्वेश्चन, अ प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन इज कॉल्ड अ, जो प्रोग्राम एग्जीक्यूशन में होते हैं, जो चल रहे होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, ऑप्शन ए प्रोसेस, ओके। 17th क्वेश्चन, अ डिवाइस दैट इज यूज टू ट्रांसमिट डाटा ओवर टेलीकम्युनिकेशन लाइन्स इज कॉल्ड, जो डिवाइस टेलीकम्युनिकेशन लाइन्स जो हमारी होती हैं, ठीक है, उसमें डाटा ट्रांसमिट करने के लिए हेल्प करती हैं, उसको हम बोलते हैं ऑप्शन बी मॉडम्स, ओके। मॉडम जितने भी होते हैं, हमारी जो टेलीफोन लाइंस होती हैं या फिर जो वाईफाई वगैरह कनेक्शन हम लगवाते हैं, तो उसमें हमारे घर पे मॉडम्स को लगाया जाता है, ठीक है। ये किसके लिए हेल्प करते हैं, जो भी हमारा डाटा ट्रांसमिट करना होता है हमें एक जगह से दूसरी जगह में, उसमें हेल्प करते हैं। 18th क्वेश्चन, फॉर कंपैरिजन एंड कैलकुलेशंस कंप्यूटर यूजेस, कंप्यूटर जो है कंपैरिजन और कैलकुलेशन के लिए किसको यूज़ करता है, तो वो है हमारा ऑप्शन बी ALU। ALU की फुल फॉर्म है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। तो ये क्या करता है, जितना भी हम कैलकुलेशंस वगैरह होती हैं कंप्यूटर में, वो हमारी अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट से ही होती हैं, ओके। और जो ALU है ये हमारे CPU का एक कंपोनेंट है, ओके। 19th क्वेश्चन, इन अ टिपिकल कंप्यूटर ऑपरेशन विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरीज इज पुटिंग यूज, जब हमारा कोई कंप्यूटर का एक टिपिकल ऑपरेशन का हो रहा होता है, कोई एक मेन चीज मतलब स्पेसिफिक चीज कर रहे होते हैं हम, तो उसमें कौन सी मेमोरी यूज होती है, वो होती है हमारी रैम, ठीक है। रैम जो होती है वो उसी वक्त जो हम मतलब काम कर रहे हैं कंप्यूटर में, उसमें जो मेमोरी यूज होगी वो एक रैम होगी, ठीक है। रैंडम एक्सेस मेमोरी इज वॉलेटाइल मेमोरी, और ये वॉलेटाइल होती है मतलब कि ये जो डाटा हम इसमें स्टोर करते हैं, ठीक है, ये टेम्परेरीली स्टोर होता है, अगर हमारा स्विच ऑफ हो गया कंप्यूटर तो हमारा डाटा डिलीट हो सकता है, ओके। तो रैंडम एक्सेस मेमोरी इज वॉलेटाइल मेमोरी which temporarily stores the files that one is working on. This volatile memory can be changed or upgraded. और इस मेमोरी को हम चेंज या अपग्रेड कर सकते हैं। अब इसी तरह से जो हमारा रॉम होता है, रीड ओनली मेमोरी, ये हमारी नॉन वॉलेटाइल मेमोरी होती है, ओके। ये क्या होती है, इसमें जो डाटा होता है वो हम चेंज नहीं कर सकते, मॉडिफाई नहीं कर सकते मेमोरी में, ओके। 20th क्वेश्चन, अ प्रोग्राम दैट कंप्रेसेस लार्ज फाइल्स इनटू स्मॉलर फाइल्स इज कॉल्ड, ऐसा प्रोग्राम जो कि लार्ज फाइल्स को स्मॉलर फाइल्स में कंप्रेस करता है उसको हम बोलते हैं ऑप्शन बी विनजिप, ओके। विनजिप जो होता है एक तरह का कंप्रेसर होता है जो कि हमारी बड़ी बड़ी फाइल्स होती हैं ज़्यादा MB GB की, उनको स्मॉलर में कन्वर्ट करता है। 21st क्वेश्चन, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ BIOS, BIOS, BIOS की फुल फॉर्म होती है ऑप्शन ए बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ठीक है। ये एक तरह का माइक्रो प्रोसेसर होता है जो कि कंप्यूटर को हम जब स्टार्ट करते हैं तो उसमें जो एप्लीकेशंस वर्क करती हैं ये सब जो है BIOS की मदद से ही करती हैं, ठीक है। BIOS इज अ प्रोग्राम, अ कंप्यूटर माइक्रो प्रोसेसर uses to start the computer system after it is powered on, ठीक है। जैसे मैंने अभी बताया जब कंप्यूटर ऑन करते हैं तो उसको स्टार्ट करने के लिए, जो सिस्टम को स्टार्ट करने के लिए माइक्रो प्रोसेसर यूज होते हैं वो हमारा BIOS होता है। इट ऑल्सो मैनेजेस डाटा फ्लो बिटवीन कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम एंड अदर अटैच डिवाइसेज, वो ये क्या करता है कि कंप्यूटर का जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है और उसके साथ जो हमने बाकी डिवाइसेज को अटैच किया होता है, ठीक है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर के साथ जो बाहर की डिवाइसेज अटैच होती हैं उनके बीच में जो डाटा फ्लो होता है, जैसे कि कीबोर्ड से जो हम टाइप करते हैं या फिर जो माउस से हम इंस्ट्रक्शंस देते हैं, तो वो सब जो है BIOS की मदद से ही होता है। 22nd क्वेश्चन, द बेसिक गोल ऑफ कंप्यूटर प्रोसेसर्स इज टू कन्वर्ट द गिवन डाटा इनटू, जो हम कंप्यूटर प्रोसेसर होते हैं उनका मेन गोल क्या होता है कि डाटा को किस में कन्वर्ट करना, ऑप्शन बी इंफॉर्मेशन में, ठीक है। डाटा को हमेशा इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हैं कंप्यूटर प्रोसेसर्स।
23rd क्वेश्चन, विच डिवाइसेज आर यूज्ड टू पुट इन एंड गेट इन्फॉर्मेशन आउट ऑफ कंप्यूटर। तो कौन से डिवाइसेज हैं हम कंप्यूटर में इन्फॉर्मेशन डालते हैं और उससे इन्फॉर्मेशन हम निकालते हैं, तो वो होते हैं हमारे क्या, पेरिफेरल्स। ठीक है, पेरिफेरल्स जो होते हैं ये क्या करते हैं कि हमें कंप्यूटर में डाटा डालने में और उससे इन्फॉर्मेशन निकालने में मदद करते हैं। 24th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पेरिफेरल हार्डवेयर डिवाइस। पेरिफेरल जो होते हैं ये हमारी हार्डवेयर डिवाइसेज होते हैं, ये आपको क्वेश्चन से समझ आ गया। अब हमारे जो कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, ये सब जो हैं ये हमारी पेरिफेरल डिवाइसेज हैं। ओके, और जो विंडोज है ये हमारा एक सॉफ्टवेयर सिस्टम है। ओके, तो ये हमारी पेरिफेरल डिवाइस नहीं है। 25th क्वेश्चन, विच प्रोवाइड्स द फास्टेस्ट डाटा एक्सेस टाइम। तो इनमें से क्या फास्टेस्ट डाटा एक्सेस करवाता है, तो वह होता है हमारा रैंडम एक्सेस मेमोरी, ऑप्शन ए। 26th, कंप्यूटर विच कैन परफॉर्म क्वाड्रिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड आर कॉल्ड। ऐसे कंप्यूटर जो कि क्वाड्रिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड में परफॉर्म कर सकते हैं उनको हम क्या कहते हैं, सुपर कंप्यूटर्स। ओके, ऑप्शन डी, सुपर कंप्यूटर। जो अभी प्रेजेंट इंडिया का सुपर कंप्यूटर है वो है हमारा परम 8000। वर्ल्ड का जो भी सुपर कंप्यूटर है वो है हमारा फ्यूकैकू, जो कि जापान ने बिल्ड किया है। और आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि इंडिया का पहला सुपर कंप्यूटर का नाम क्या था। ठीक है, ये मैंने आपको अपनी पुरानी वीडियोस जो हैं कंप्यूटर की आप देख सकते हैं उनमें बताया है, अगर आपने वीडियोज़ देखी हैं तो आपको आंसर ज़रूर आता होगा। 27th क्वेश्चन, द प्रोग्राम्स दैट रन ऑन अ कंप्यूटर आर रेफर्ड टू एज। ऐसे प्रोग्राम जो कि कंप्यूटर में रन करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, उनको बोलते हैं सॉफ्टवेयर। ओके, सॉफ्टवेयर जो होते हैं ये हमारे कंप्यूटर के अंदर प्रोग्राम्स होते हैं। 28th क्वेश्चन, पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर दैट कैन बी सीन इज। हाँ, तो अब जो कंप्यूटर के पार्ट्स हम देख सकते हैं उनको हम बोलेंगे हार्डवेयर। ओके, 29th, विच पार्ट इज नोन एज द बैकबोन ऑफ कंप्यूटर। कौन से पार्ट को हम बैकबोन ऑफ कंप्यूटर बोलते हैं, तो जो हमारा सॉफ्टवेयर सिस्टम होता है, जो हमारे सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स होते हैं, यह कंप्यूटर की बैकबोन होते हैं। ओके, इसके बिना कंप्यूटर कुछ भी नहीं होता। 30th क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ द कंप्यूटर इज नोन एज ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के कौन से पार्ट को ब्रेन माना जाता है, तो ये है हमारा क्या, CPU। ये है हमारा CPU। ओके, CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो होती है इसको ब्रेन ऑफ कंप्यूटर माना जाता है। इसके जो कंपोनेंट्स होते हैं वो होते हैं, एक तो होती है कंट्रोल यूनिट और एक होता है एरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। ओके, और इसमें जो होती है मेन मेमोरी होती है जो कि कंप्यूटर को वर्क करने में हेल्प करती है, तो वो CPU हमारा क्या होता है, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। 31st, डैश कैन बी री इंस्टॉल्ड व्हेन इट इज डैमेज्ड। तो इनमें से क्या हम री इंस्टॉल कर सकते हैं जब वो डैमेज हो जाए, तो हमारे जो हार्डवेयर है, ठीक है, CPU हार्डवेयर सिस्टम में आते हैं और UPS, ये सब जो है डैमेज कर दिए जाएं तो ये इनको हमें नया लेना पड़ेगा, लेकिन जो सॉफ्टवेयर है वो डैमेज हो जाए तो उसको हम री इंस्टॉल कर सकते हैं। ओके, 32, DBMS स्टैंड फॉर। जो DBMS एक्रोनियम है ये किसके लिए स्टैंड करता है, ये होता है हमारा डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ओके, ऑप्शन डी, DBMS अलाउज यूजर्स टू स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा। तो ये हमें जो डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है ये हमें डाटा को मैनेज करने के लिए, स्टोर करने के लिए हमें हेल्प करता है। ओके, 33, DTP स्टैंड फॉर। तो DTP जो है इसकी फुल फॉर्म है डेस्कटॉप पब्लिशिंग। ओके, ये एक तरह के सॉफ्टवेयर्स होते हैं, ठीक है, कंप्यूटर में। डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर इज यूज फॉर क्रिएशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, मैगजीन डिजाइंस एक्सेट्रा। तो ये जो हमारी मैगजीन डिजाइंस होते हैं या जो हम डॉक्यूमेंट्स वगैरह में कुछ डिजाइन बनाते हैं या डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं उन सब में जो सॉफ्टवेयर यूज होता है वो होता है हमारा डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर। 34th, कंप्यूटर अंडरस्टैंड्स मशीन लैंग्वेज विच कंप्लाइजेज ऑफ। जो कंप्यूटर होता है, हमारी कंप्यूटर की जो लैंग्वेज होती है उसको हम बोलते हैं मशीन लैंग्वेज। ओके, और इसको सीडो लैंग्वेज भी बोला जाता है। तो जो मशीन लैंग्वेज होती है वो किससे बनी होती है, वो हमारे बाइनरी नंबर से बनी होती है। तो ए ऑप्शन है जीरोज, बी वन, सी बोथ, डी नन। तो हमारा जो ऑप्शन सी है बोथ वो राइट आंसर है। जो बाइनरी लैंग्वेज होती है वो कंप्राइज करती है जीरोज और वंस। ओके, 35, विच सॉफ्टवेयर इज यूज फॉर कम्युनिकेटिंग पर्पसेज। तो हमारे जो कम्युनिकेशन पर्पज के लिए सॉफ्टवेयर यूज होते हैं वो क्या है, हमारा ऑप्शन बी पिडगिन। ओके, जो पिडगिन सॉफ्टवेयर होता है इससे हम क्या करते हैं, जो भी हम कम्युनिकेशन, जैसे हम चैटिंग वगैरह करते हैं तो वो जो चैटिंग के लिए सॉफ्टवेयर यूज होता है वो हमारा पिडगिन होता है। ओके, अब ऑप्शन ए है पेरोल सॉफ्टवेयर। पेरोल सॉफ्टवेयर जो होते हैं ये हमारी जितनी भी सैलरीज वगैरह पे आती हैं ये सब पेरोल सॉफ्टवेयर की मदद से ही ट्रांसफर की जाती हैं। सी है ऑप्शन OSS। OSS की फुल फॉर्म आपको पता है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। इस पे मैंने एक पूरी वीडियो बनाई है, इसके MCQs पे आप जाके देख सकते हैं। जो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होते हैं ये हमें फ्रीली अवेलेबल होते हैं और हम इनको मॉडिफाई कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। ओके, तो जो सॉफ्टवेयर कम्युनिकेटिंग पर्पज के लिए यूज होता है वो होता है हमारा ऑप्शन बी पिटकिन।
थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आज के इतने ही MCQs से आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। लाइक कीजिए वीडियो को, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। ओके, थैंक यू सो मच।